दिल्ली के कड़कड़डूमा इलाके में स्थित दिल्ली स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की बिल्डिंग में शुक्रवार दोपहर भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की 22 गाड़ियां पहुंची थी। डीजीएसएस की बिल्डिंग में लगी आग बुझाने के लिए दमकल विभाग को 4 घंटे तक ऑपरेशन जारी रखना पड़ा। जब बिल्डिंग में आग लगी उस वक्त लंच टाइम होने की वजह से ज्यादातर लोग बिल्डिंग से बाहर थे या बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। इस बिल्डिंग में 2 इमरजेंसी गेट है, यही वजह है कि आग लगने के बाद लोग सुरक्षित बाहर निकल गए। इतने बड़े हादसे में किसी भी शख्स को नुकसान नहीं पहुंचा। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आग लगने की सूचना उन्हें दोपहर 1:30 बजे मिली थी। इसके बाद आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन विभाग ने 22 गाड़ियों को मौके के लिए रवाना किया। आग बुझाने के लिए 60 कर्मचारी मौके पर पहुंचे।